छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए अब गिनती के दिन बचे हैं। ऐसे में प्रदेश के राजिम विधानसभा में बड़ा राजनीतिक फेरबदल हुआ है। जहां कांग्रेस को बड़ा फायदा होते दिख रहा है, वहीं जनता कांग्रेस और सत्ताधारी भाजपा को नुकसान होते नजर आ रहा है। देखिए शेख इमरान की ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही समय शेष बचा है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियों में जोर शोर से लग गई है और कहीं ना कहीं किसी भी हाल में चुनाव में जीत का परचम लहराने, अपने संगठन को ग्रामीण स्तर पर मजबूत करने में जुटे हुए हैं। कुछ इसी तरह की राजनीतिक उथल पुथल राजिम विधानसभा में देखने को मिली, जहां प्रथम पंचायत मंत्री अमितेश शुक्ला के समक्ष लगभग 200 से अधिक युवकों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जिन युवाओं ने कांग्रेस का हाथ थामा है वो भाजपा और ज्यादातर जनता कांग्रेस जोगी पार्टी के युवा कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस में शामिल होने वाले भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्हें कांग्रेस की नीति अच्छी लगी, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को चुना। जनता कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि उन्हें जनता कांग्रेस की सरकार बनते नहीं दिख रही है। उन्हें लगता है कि जनता कांग्रेस भाजपा को साथ दे रही है, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा है। वहीं कांग्रेस का मानना है कि इस तरह उनकी पार्टी मजबूत होती जा रही है। ये बातें है कि जो कांग्रेस की रणनीति है वो हमको बहुत अच्छी लगी, इसलिए हम आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और आज हम अमितेश भैया के साथ हैं। कांग्रेस में हमारा एक रणनीति रहेगी, एक हमारा जैसे राजिम ब्लॉक पे है और हम पूरे गांव गांव को पूरा साथ पर लेकर चलेंगे और जहाँ जहाँ जैसी मीटिंग होगी हम वहाँ पे अपना योगदान देंगे पूरी युवा साथी के साथ। भाजपा में ऐसी क्या बात रही जिसकी वजह से छोड़ना पड़ा उसको? भाजपा क्या है, भाजपा की रणनीति जो रणनीति है वो तो खैर हमको अच्छी लगी नहीं। मैं जनता कांग्रेस से हूँ और कांग्रेस में आ गया हूँ मैं। कितने लोगों के साथ आए? करीब करीब 150 लोगों के साथ। और जनता कांग्रेस जो है ना, उम्मीद नहीं लग रहा है कि सीट आ जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा। और सभी जगह चर्चा है, बीजेपी वाले भी बोलते हैं कि दोनों माने के बीजेपी और जनता कांग्रेस मिले हुए हैं, इसीलिए ना हम लोगों के मन में ना वो पैदा हुआ कि अब कांग्रेस में जाना चाहिए, इसीलिए सभी संगठन कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। 60 से 70 की संख्या में लगभग जनता कांग्रेस योगी जी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माननीय श्री अमितेश शुक्ला जी प्रथम पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के नेतृत्व में युवा कांग्रेस में शामिल हुआ। इसमें उसकी नीति और जो भ्रष्टाचारी को देखते हुए युवाओं ने कांग्रेस युवा कांग्रेस में शामिल हुए और इससे हमारा संगठन और भी काफी मजबूत हुआ, जिससे हम भविष्य में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। राजिम विधानसभा के ग्राम परसदा जोशी में एक सादे समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर युवा कांग्रेस ने राजिम से परसदा जोशी तक भव्य बाइक रैली निकालकर पंचायत मंत्री अमितेश शुक्ला का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा और जोगी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस में प्रवेश किया, जिनका स्वागत अमितेश शुक्ला ने किया। इस दौरान प्रथम पंचायत मंत्री अमितेश शुक्ला ने भाजपा और जनता कांग्रेस पर सवाल दागते हुए कहा कि भाजपा सरकार फ्री में मोबाइल देकर जनता को प्रलोभन दे रही है, लेकिन बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं दे रही है, किसानों के साथ छल कर रही है। अगर दे मोबाइल, मान लो 3-4 हजार के मोबाइल देता बदले भैया, वो युवा ला जिला मोबाइल देता ये महल देता तो लड़के लाते 10 हजार की नौकरी देते भैया, वो तो 3 मोबाइल खरीद लेते नौकरी देना भैया बना सकते वाला या महिला ला मोबाइल। कांग्रेस रही जो नकली कांग्रेस बोलते वाला ऊपर एक ही उद्देश्य किसी तरीके से भाजपा ला जीता होकर लिए काम करे थे। पहले कांग्रेस के अंदर भी काम करे थे, कांग्रेस से बाहर भी काम करे थे, भाजपा ला जीता तो भाजपा ला हमारे जिताना नहीं। पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ला ने बताया कि विगत दिनों कांग्रेस का हाथ थामने वाले जनता कांग्रेस के पंचायती राज के प्रदेश अध्यक्ष राकेश तिवारी ने बताया कि जनता कांग्रेस भाजपा का साथ दे रही है, इसलिए बड़ी तादाद में कार्यकर्ता जनता कांग्रेस को छोड़कर कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। वहीं भाजपा आम जनता के साथ वादा खिलाफी कर रही है, जिसको लेकर लगातार भाजपा और जनता कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में जो है लोग शामिल हो रहे हैं भाजपा से, जिसको ये लोग गढ़ बोलते थे, जबकि मैं कभी नहीं मानता। राजिम के लोगों ने बहुत प्रेम कराया मेरे को, मगर राजिम प्रॉपर से जो है वो पार्षद के पुत्र शामिल हो गए हैं, उनके साथ बहुत से मतलब लड़के शामिल हुए हैं। मुख्य उद्देश्य उन लोगों का कहना ये कि हम तो सोचते थे कि ये कांग्रेस है जो 6 जगह से आए कांग्रेस से, उनका एक बहुत बड़ा नेता है राकेश तिवारी, वो भी शामिल हुआ, उससे मेरी बात हुई और वही बात इन लोगों ने बोली कि हम लोग शामिल इसलिए हो रहे हैं कि हम इनको कांग्रेस का एक टूटा हुआ भाग मांग रहे थे, मगर ये तो भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं,
और भाजपा को जिताने के लिए कर रहे हैं, उनसे अंदर ही अंदर गठबंधन कर लिया इन्हें और भाजपा के लोगों के साथ जो है पूरा हर चीज़ भाजपा इनको दे रही है, उसी से ये पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम किसी भी इनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि ये जिस तरह कर रहे हैं और भाजपा से जो शामिल हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ है कि वहाँ से जो दिग्भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि उनने देखा कि ये लोग सिर्फ बातें करते हैं, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कोई काम नहीं करते। अमितेश शुक्ला ने दावा किया है कि कांग्रेस का संगठन बेहद मजबूत होते जा रहा है। आने वाले विधानसभा में कांग्रेस की ही प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब बेहद ही नजदीक है। ऐसे में राजीव विधानसभा में एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल हुआ है और भाजपा और जनता कांग्रेस को राजीव विधानसभा में एक बड़ा झटका लगा है। और इसी के साथ लगभग 200 से भी ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं जनता कांग्रेस और भाजपा के, वो कांग्रेस का हाथ थाम लिए हैं। और देख सकते हैं यहाँ एक बड़ा आयोजन किया गया था इस मौके पर, और कहीं ना कहीं जनता कांग्रेस और भाजपा को एक बड़ा नुकसान राजीव विधानसभा में हुआ है। और जिस तरह से जो सैकड़ों युवाओं ने कांग्रेस का हाथ थामा है, इससे कांग्रेस के जो प्रथम पंचायत मंत्री अमितेश शुक्ला है, उनका यह मानना है कि इससे संगठन जो है ग्रामीण स्तर पर मजबूत होंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में वो चुनाव जीतकर प्रदेश में राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। इस तरह की जो दावे हैं अमितेश शुक्ला कर रहे हैं, तो ये माना जा सकता है क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में कांग्रेस को लगातार जो है फायदा होते दिख रहा है। क्योंकि हाल ही में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के पंचायती राज के प्रदेश अध्यक्ष राकेश तिवारी ने भी जनता कांग्रेस का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा, और कुछ दिन बीतने के बाद जो है लगभग 200 से भी ज़्यादा संख्या में भारतीय युवाओं ने कांग्रेस का हाथ थामा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब ये लग रहा है कि उनका संगठन और भी इससे मजबूत होगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका नतीजा उन्हें देखने को मिलेगा। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कि कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह चुनाव जीतती है और क्या वाकई में कांग्रेस जो है प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी। glimpse.in के लिए कैमरामैन लक्ष्मी शंकर के साथ शेख इमरान गरियाबंद। glimpse.in में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। For more information, log on to www.glimpse.in.